हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हो टेक की बात। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव काउंटर, रिटेंटिव डेटा रजिस्टर एंड रिटेंटिव रिले। ये है क्या, हम इनको यूज़ कैसे करेंगे अपने पीएलसी प्रोग्राम के अंदर और क्यों इनका यूज़ इतना ज़रूरी है कि जो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी डेल्टा पीएलसी की स्क्रीन पर। तो हमने जो अभी बात करी वो रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव काउंटर, रिटेंटिव डेटा रजिस्टर और रिटेंटिव रिले के ऊपर बात करी। तो असल में रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव काउंटर, इन चीजों की जरूरत क्यों है? सबसे पहले समझते हैं रिटेंटिव है क्या। जैसे मान लीजिए आप अपने पीएलसी के अंदर कोई टाइमर रन कराते हो, ठीक है, तो कोई काम करा रहे हो आप 5 सेकंड का या 10 सेकंड का काम करा रहे हो, कि आपने एक मान लीजिए 10 सेकंड तक आपको एक पंप चलना चाहिए, ठीक है, जैसे ही लाइट चली जाती है उस टाइम में, मान लीजिए 10 सेकंड के लिए आपने कोई चीज रन करी थी और 3 सेकंड रन करने के बाद आपकी पावर कट हो गई फील्ड में, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको सिर्फ उस चीज की, यानी आपको जो पंप चलाना था वो लास्ट 7 सेकंड और चलाना है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही लाइट आएगी तो क्या होगा, आपका फिर से वही प्रोसेस, वो क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा, और वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, जीरो से। लेकिन आपको चाहिए था कहाँ से शुरू होना चाहिए, कि जहां पर लास्ट आपका टाइमर स्टॉप हुआ था। तो इन चीजों के लिए आप यूज करते हो रिटेंटिव टाइमर का। सेम ऐसी ही रिटेंटिव काउंटर का है। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू थी, आप एक गड्डी नोट काउंट करते हो, नोट में कितने, एक गड्डी में कितने नोट होते हैं, 100। मान लीजिए आपने 20 काउंट कर लिए, ठीक है, और आपको किसी ने बीच में इंटरप्ट कर दिया, छेड़ दिया या रोक दिया, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? मान लीजिए 21 से शुरू करोगे। लेकिन अगर आप 21 से शुरू नहीं करोगे, फिर से जीरो से शुरू करोगे, तो कहां तक पहुंचोगे आप? 80 तक, जो कि 100 से पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। 20 आप पहले काउंट कर चुके हो, फिर 80, तो ये क्या होगा, आपको कंप्लीट आउटपुट नहीं देगा। तो आपको इन चीजों के लिए भी रिटेंटिव, यानी जहां से आपने अपना डेटा रजिस्टर छोड़ा था वहीं से आपको डेटा अपना उठाना है, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आपको लगता है रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव काउंटर, ऐसे ही रिटेंटिव डेटा रजिस्टर होते हैं। जैसे ही आपकी पीएलसी ऑफ कर देते हो, यानी आप रन मोड से उसे स्टॉप मोड कर देते हो या लाइट ऑफ कर देते हो उसकी, तो मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है उसके अंदर जो डेटा स्टोर था। लेकिन आपको चाहिए कि वो डेटा मुझे मिलना चाहिए, जब भी मैं अपनी पीएलसी को ऑन करूं तो हमेशा डेटा मिलना चाहिए। तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, रिटेंटिव डेटा रजिस्टर। ऐसी ही रिटेंटिव रिलेज होती हैं, यानी आपके आउटपुट्स जैसे Y0 Y1, ये तो क्या है, ऑक्सिलरी है, मतलब जैसे ही आप इनको इनपुट दोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो मेमोरी M0 M1 M2 होते हैं, इसी तरीके से वहां पर इनको रिले की तरह आप यूज कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे और किस तरीके से इनको यूज करेंगे। तो मैं आपको टाइमर का एड्रेस भी बताऊंगा और काउंटर का एड्रेस भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम बनाना। तो सिंपली हम यहाँ पे एक पहले बनाते हैं एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक, ठीक है। तो एल डी हम ले लेते हैं यहाँ पर X0, ठीक है, X0 हमने ले लिया। एल डी इनवर्स ले लेते हैं जो कि आपका स्टॉप है, और एक हम आउटपुट ले लेते हैं Y0, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से ले लेते हैं LDY0। हमने क्या किया, ये स्टार्ट स्टॉप लॉजिक क्रिएट कर लिया। ये हम शुरू से अपने बनाते हुए आ रहे हैं और हमें याद रहना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। LDY0 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या शुरू करेंगे, हम अपना टाइमर शुरू करेंगे। तो टाइमर का जो एड्रेस है, हमारे पास डेल्टा पीएलसी के अंदर 6 रिटेंटिव टाइमर मिलते हैं, 6, ठीक है, जिनका एड्रेस क्या है, T250, यानी P250 से शुरू होते हैं, और इनका मिनिमम बेस काउंट जो है वो 100 मिली सेकेंड का है। तो K100 हम यहाँ डाल देते हैं, यानी ये कितना हो गया, टेन सेकेंड हो गया, यानी हर 10 सेकेंड पर मुझे क्या देगा, ये एक आउटपुट देगा, ठीक है।
पहले हम क्या करते थे, जो हमारे नॉर्मल काउंटर होते हैं उनको रिसेट करने के लिए क्या करते थे, हम यहाँ पे पावर कट कर देते तो वो रिसेट हो जाते थे। लेकिन अगर आप इसमें पावर कट कर दोगे तो ये रिसेट नहीं होंगे, ठीक है, ये क्या रहेंगे, अपनी डेटा वैल्यू को स्टोर करे रहेंगे। जो भी इनकी प्रीसेट वैल्यू है और एक्यूमुलेटिव वैल्यू है जो आपकी रन करती है, ठीक है, एक होती है प्रीसेट वैल्यू जो आप सेट कर देते हो, एक होती है रन वैल्यू जो उसकी रन करती रहती है। तो जो रन वैल्यू होती है वो अपनी जगह स्टोर रहेगी। जैसे मान लीजिए 50 पर आके स्टॉप कर दिया तो वो 50 से अगली बार जब भी इसको पावर मिलेगी तो ये 51 से काउंट करना शुरू करेगा, यानी एक स्टेप आगे से चलेगा, ये ऐसा नहीं होगा पीछे आ जाएगा अपने, ठीक है। तो हम इसको रिसेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक देंगे हम इसकी LD और हम T250 यानी एड्रेस देंगे T250, यानी जो हमारे पास एनो है उसमें हमने एड्रेस किसका दिया, टाइमर का। जैसे ही टाइमर 10 सेकंड पहुंचेगा तो वो एक पल्स जनरेट करेगा और वो पल्स किसको क्या करेगी, रीसेट करेगी अपने आप को, टाइमर को, टाइमर को रीसेट कर देगा। यानी हर 10 सेकंड के बाद ये टाइमर क्या होना चाहिए, रीसेट भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं काउंटर के ऊपर। अभी तो हमने ये T250 बना लिया अपना, कौन सा काउंटर है ये, सॉरी टाइमर है ये, रिटेंटिव टाइमर है। अब हम यहाँ देखते हैं काउंटर के ऊपर, अब हमें काउंटर भी रिटेंटिव चाहिए। तो काउंटर के लिए हमें मिनिमोनिक्स पता है CNT। अब हम एड्रेस क्या देंगे, क्योंकि हम C0 डालेंगे तो वो कैसा काउंटर है, वो फिर से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं एक बार C0 और इसमें K10 डाल देते हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर भी करते चलेंगे ना अपने साथ साथ के, हम कौन से टाइमर को कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम अब हम यहाँ पे एक और पैरेलल रन ले लेते हैं, तो CNT, और अब हम यहाँ पे एड्रेस दे देंगे C112। देखिए C112 यानी C112 से C127 जो भी आपके काउंटर हैं वो कौन से हैं, सारे काउंटर रिटेंटिव काउंटर है, यानी वो अपनी वैल्यू रिटेन कर लेते हैं अगर आपकी पीएलसी में पावर कट हो जाता है या आप अपनी पीएलसी को स्टॉप मोड में डाल देते हो, ठीक है। जब भी आपकी पावर जाएगी तो आपकी पीएलसी क्या होगी, स्टॉप मोड में आ जाएगी, तो ठीक है। और अब हम इसको भी क्या काउंट करेंगे, CXK10, ठीक है। अब हम इससे आउटपुट लेते हैं, मान लीजिए अब हमने यहाँ LD, जैसे ही आपका C112 होगा, ठीक है, तो हमें क्या मूव कराना है, मूव कराना है K10 और अपने डेटा रजिस्टर किस में, 408, ठीक है। अब हमें जो डेटा मूव कराना है K10 मूव कराना है D408, ठीक है, जो आपके डेल्टा पीएलसी के अंदर डेटा रजिस्टर है जो रिटेंटिव है, जिनके अंदर आपने एक बार वैल्यू डाल दी तो वो कभी भी वॉलेटाइल नहीं होगी, ठीक है, जब तक कि आप उसमें खुद वैल्यू कोई सी मूव ना कराएं, ठीक है। आपने मान सोचा कि मैंने D408 में 10 डाल दिया और पावर ऑफ कर दी, और जब भी आप इसको ऑन करोगे तो D408 के अंदर हमेशा आपको वैल्यू 10 ही मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आप उसको रीराइट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या है, D408 से आपके जो डेटा रजिस्टर शुरू होते हैं और D599 यानी यानी 599 और 408 के बीच में जितने भी डेटा रजिस्टर हैं वो सारे आपके रिटेंटिव डेटा रजिस्टर हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं और सेम इसके साथ एक और रंग चेक कर लेते हैं जो आपके नॉन वॉलेटाइल या नॉन रिटेंटिव टाइम डेटा रजिस्टर हैं। तो इसमें K10 डाला और D50 डाल दिया, ओके, ये आपके हो गए सारे डेटा रजिस्टर्स, ठीक है। अब आप एक और चीज देखते हैं, डेटा रिलेज देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हमने अभी कहा था कि रिटेंटिव रिलेज भी होती हैं, जैसे आपने एक बार उसको हाई कर दिया तो वो हमेशा के लिए हाई रहेगा जब तक कि आप उसको रीसेट नहीं करते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिले भी देख लेते हैं, जैसे ही हमारा काउंटर अपनी 10 की वैल्यू पर पहुंचेगा C112 तो हमारे पास एक रिले और हाई हो जाएगी, वो रिले है M512, ठीक है। और एक रिले और ले लेते हैं ताकि हम इसके साथ कंपेयर कर पाए, तो M500, ठीक है, सॉरी वो हम लगाना भूल गए आउटपुट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा प्रोग्राम पूरा बन चुका है, तो एक बार हम इसमें नजर मार लेते हैं कि हमने क्या क्या बनाया। देखिए सबसे पहले हमने कि एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाया है, एक रिटेंटिव टाइमर बनाया है, उस रिटेंटिव टाइमर से हमने उसको ही रिसेट किया है और उसी की पल्स से हमने एक काउंटर को पल्स दी है, क्योंकि काउंटर क्या करता है, हमेशा एक पल्स को ही काउंट करता है, ठीक है। एक अनदर काउंटर लिया है
जो कि कैसा है, नॉन रिटेंटिव और एक रिटेंटिव में कंपैरिजन के लिए, ठीक है। हम चेक करेंगे क्योंकि हम बीच में क्या करेंगे, अपने टाइम और अपनी जो प्रोग्राम है उसको स्टॉप करके भी देखेंगे, ठीक है। ये डेटा रजिस्टर्स हैं जो एक रिटेंटिव है और एक नॉन रिटेंटिव है। ये एक रिले है जो कि आपकी रिटेंटिव रिले है और एक नॉन रिटेंटिव रिले। आप अब इसको सिमुलेटर पर ऑन करेंगे, ठीक है, कोड को कंपाइल करेंगे। जैसे ही आपका कोड कंपाइल होगा तो देखिए यहाँ पे एक एंड लिखा हुआ जाएगा, यानी आपका जो प्रोग्राम है वो इतना उसमें कोई एरर नहीं है, कंपाइलिंग कंप्लीट, ठीक है। आप इसको पीएलसी में अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ पे रन मोड में आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे ही हम इसको रन क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो इनिशियल टाइमर है, देखिए ये यहाँ पर पीएलसी आपकी रन मोड में है, ठीक है। तो देखिए जो आपका टाइमर है उसकी प्रेजेंट जो एक्यूमुलेटिव वैल्यू है वो क्या है, K0, यानी अभी आपका टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। T50 में क्या है, T250 में, यानी अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। ऐसी देखिए काउंटर K0 है, T112 में भी वैल्यू 0 है, डेटा रजिस्टर में भी 0 है, T D408 जो आपका रिटेंटिव डेटा रजिस्टर है उसमें भी अभी 0 है और 50 में भी 0 है। और ये रिलेज आपकी कैसी है, अनलैच्ड है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट ऑन करते हैं, तो देखिए आपका जो टाइमर है वो रन कर रहा है। देखिए जैसे ही ये क्या होगा, 10 सेकंड होगा, तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो गई, K1 K1, देखिए काउंटर में K1 K1 आ चुका है और आपका टाइमर अभी क्या है, रन कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको क्या किया, पावर कट करी, तो देखिए पावर जैसे ही मैंने कट करी, यहाँ से स्टॉप मोड करा है मैंने यहाँ से, तो देखिए टाइमर के अंदर वैल्यू क्या है, सेम 15 15, लेकिन काउंटर के अंदर वैल्यू क्या है, K2 और K2, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ अभी टाइमर की पावर सप्लाई हमने कट करी है, ठीक है। क्योंकि जो आपके काउंटर हैं वो क्या काउंट करते हैं, पल्स को काउंट करते हैं, तो यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेट ऑफ, और देखिए फिर से हम इसको टाइमर को रन करते हैं। अभी हम इसको वेट करते हैं कब तक, जब तक कि ये हमारी वैल्यूज को इवेंट 10 तक ना ले जाए, ठीक है। जैसे ही हमारे पास जो ये सारा टाइमर है, हम इसको कंप्लीट करने के बाद फिर चेक करेंगे कि जब हम इसकी पावर को कट करेंगे तो पावर कट करने पे देखिए कहां कहां पर चेंज आएगा और क्यों आएगा। अभी हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे काउंटर K4 तक पहुंच चुका है और सेम आपका अभी देखिए ये रिटेंटिव ही टाइमर है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से पावर कट कर देता हूँ तो देखिए फिर से 32 पर ही स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं था कि ये 0 पर हो जाता, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेट ऑफ और फिर से इसके स्टार्ट स्टॉप लॉजिक को स्टार्ट करता हूँ तो देखिए फिर से मेरा ये टाइमर अभी रन कर चुका है। अभी हम यहाँ पर देखिए पावर कट करके भी देखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने देते। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पीएलसी को स्टॉप मोड में डाल दिया, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पीएलसी को स्टॉप मोड में डाला है तो देखिए टाइमर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टॉप है, पीएलसी आपकी क्या है, स्टॉप है। तो जो आपका T52 है, यानी T50 है, T250, उसके अंदर K92 वैल्यू है, यानी 9 सेकंड वो रन कर चुका है। और जो आपका C0 था, मैंने बताया था ये C0 क्या है, रिटेंटिव नहीं है, जैसे ही इसमें पावर कट होती है तो क्या हो जाता है, ये रीसेट हो जाता है। लेकिन C112 क्या है आपका, देखिए 6 बार काउंट कर चुका है आपकी पल्सेस को, तो यानी ये कैसा काउंटर है, रिटेंटिव काउंटर है, ठीक है। जैसे ही मैं अगेन पीएलसी को रन मोड में डालता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने रन करा और फिर से पावर सप्लाई दी तो देखिए उसी वैल्यू से वो काउंट करने लगा। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला, देखिए वो 7 पल्सेस काउंट कर चुका है, वो अब क्या कह रहा है कि मैंने सिर्फ एक ही पल्स काउंट करी है, ठीक है। तो इससे आपके जो प्रोग्राम में होता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी जो वैल्यूज थी वो रिटेन नहीं हुई, ठीक है। अब मान लीजिए डेटा रजिस्टर्स को भी अभी हम देखते हैं, तो देखिए जैसे ये K9 तक आ गया और देखिए जैसे ये K10 पर पहुंचेगा, काउंटर 10 99, तो देखिए अब आपकी यहाँ दो रिलेज हाई हो चुकी है। और जैसे ही मैंने ये स्टॉप किया प्रोग्राम, मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टॉप किया तो देखिए C0 क्या है, स्टॉप हो चुका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए D408, यानी इसके अंदर डेटा हमने क्या मूव कराया था, 10, तो देखिए इसने अभी रिटेन कर रखा है, ऐसा तो नहीं है कि रिमूव हो गया हो। लेकिन D50 के अंदर क्या शो कर रहा है, D0, यानी आपका जो रजिस्टर है वो
जीरो है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। और मैं जैसे यहाँ से सिमुलेटर ऑफ कर देता हूँ और मान लीजिए यहाँ पे मैंने के एम 5 डाल देता हूँ आउटपुट, ठीक है। और सॉरी अभी हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे थे C112, तो C112 हमेशा 10 है तो वो अपना आउटपुट हाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 500 शो कर रहा था। तो अभी हम इसको एक काम करते हैं, इसको रंग को हटाते हैं यहाँ से, और इसके अंदर OM512। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि कब देखिए आपका रिटेन कर रहा है वैल्यू और कब रिटेन नहीं कर रहा है। ये हम यहाँ पर रन मोड में आ गए। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर रन मोड में सेट ऑन किया है हमने, तो देखिए यहाँ पर टाइमर आपका काउंट करना शुरू कर चुका, और सेट ऑफ करते ही, और हमने यहाँ स्टॉप जिस तरीके से करते हैं, तो देखिए आपके जो रिटेंटिव टाइमर है, तो देखिए रिटेंटिव टाइमर ये है, देखिए K74, यानी ये अपनी वैल्यू को स्टोर करे हुआ है, ठीक है। C0 रिटेंटिव नहीं है तो वो K0 शो कर रहा है। C112 क्या है, रिटेंटिव है तो वो बता रहा है कि मैंने 10 स्टोर कर चुका हूँ, ठीक है। D408 रिटेंटिव डेटा रजिस्टर है तो वो 10 को भी शो कर रहा है। और ऐसी ही ये आपकी रिले है। देखिए M5 कैसी है, जीरो, यानी M5 क्या है इस वक्त, ऑफ है। लेकिन M512 यानी M512 कैसी रिले है, रिटेंटिव रिले है, तो वो शो कर रही है कि मैं लास्ट टाइम थी हाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए कि रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव काउंटर, रिटेंटिव डेटा रजिस्टर एंड रिटेंटिव रिलेज कहाँ कहाँ और किस तरीके से आपको यूज करनी है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिटेंटिव डेटा रजिस्टर को यूज कर पा रहे हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि काउंटर अप डाउन किस तरीके से बनाते हैं बिना काउंटर को यूज करे। तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, तो आप इसको देखिएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।